हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस, आज उठने में बहुत ज़्यादा लेट हो गई। मैं बहुत ज़्यादा आँखें नहीं खुली थी सुबह सुबह, इतनी ज़्यादा वो हो रही थी। रात में बहुत ज़्यादा लेट सोने दिया था कानून ने, 2:30 बजे के आसपास सोए थे। वैसे तो 1:30 बजे के आसपास सो जाता है, लेकिन कल तो उसने हद्दी कर दी, कल 2:30 बजे सोया है। और गाइस, कानू के डैडी भी उठ गए हैं, सभी उठ गए हैं, ये उठना भी ज़रूरी है। और मैं तो सबसे ज़्यादा लेट हो गई थी आज। मम्मी भी उठ गई थी, मम्मी बाहर की झाड़ू पे लगा के आ गई। फिर मैं जब मुझे आवाज़ सी आई ना, तब मैं उठी और बड़ा गई थी, हाँ दिन निकलने वाला है, दिन निकल गया है, निकलने वाला क्या है। 7 बज गए आज तो। और गाइस, फिर मैंने जल्दी जल्दी सारे झाड़ू पोछा किया सारे में, और फिर झाड़ू पोछा करने के बाद कान्हा जी को मिलाया, नहा के कान्हा जी को मिलाया, कान्हा जी को मिला के पूजा वगैरह किया। और मैं ब्लॉग स्टार्ट करने आई हूँ, और ना फ़ोन करके मुझे ध्यान नहीं था कहाँ मेरा फ़ोन रखा है, कहाँ मेरा फ़ोन नहीं रखा। और गाइस चलो, अभी मैंने ब्लॉग भी डाला है, पब्लिक किया है 8:30 बजे के आसपास। अब मैं आई हूँ फ़ोन लेने के लिए, अब ब्रेकफास्ट की तैयारी करनी है तो ब्लॉग शूट करूँगी इसलिए। तो गाइस ब्रेकफास्ट में देखते हैं क्या बनेगा। मम्मी बोली कुछ अलग बना लेना आज 15 अगस्त है, तो कुछ खा लेंगे अलग, तो इसलिए बनाऊँगी, देखूँगी क्या बनाएंगे। किचन में जाकर पता चलेगा, वो तो देख के जो मन करेगा वो बनाऊंगी। मम्मी कह रही अपने मन से बना लेना जो भी तू बनाए, तो अब जाके बनाऊंगी। और गाइस कानू को, कानू की बूजी वाले रूम में सुला के आ गई। हाँ मैंने बेडशीट ठीक कर दी है, वरना फिर ऐसे ही पड़ी रहती। इसके पास इसकी बूजी को यहाँ पे सुलाती तो फिर उसके पास ना गाइस कोई ना कोई सोना चाहिए। अगर वो अकेला सोएगा तो तुरंत उठ जाएगा, और उसके ऐसे हाथ रख के चिपका के सुला लेंगे ना तो आराम से सो जाता है। तो उसकी बूजी के पास सुलाएंगे, दीदी आप सुला लो, तब मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर लेती हूँ। वो भी सो रही है और उसकी उनका भतीजा भी सो रहा है। चलो बैठे ब्रेकफास्ट की तैयारी करेंगे, वरना लेट हो जाऊँगी तो वही लेट हूँ और हो जाऊँगी। फिर खाने बनाने में थोड़ा वो टाइम लग जाता है, फिर 2 बजे के आसपास सब खाना खाते हैं। फिर लेट ब्रेकफास्ट करेंगे तो फिर लेट ही भूख लगेगी। चलो भाई बना लेते हैं, आप सबसे उसके बाद मिलेंगे, चल के देखते हैं क्या बनाऊँगी किचन में। ये बना के तैयार कर लिया, और यहाँ पर ऑयल भी गर्म हो गया है, और गाइस चाय भी बना रही हूँ मैं। और गाइस ये हैं कान्हा जी के अलग, इसमें तो हरी मिर्च और ये पड़ी हुई हैं क्या प्याज, तो इसलिए मैं लड्डू गोपाल के अलग बनाऊँगी, इनके अलग बनाऊँगी। उसमें प्याज वगैरह पड़ रही है तो इसलिए वो अलग बनेगा, क्योंकि आज के बिना अच्छी नहीं लगती, तो लड्डू के अलग निकालने पड़ते हैं, तो मैं लड्डू के अलग निकालू। गाइस ऑल भी हो गया है, चलो बना लेते हैं। देखो गाइस कितना शरारती, देखो सारे गमले फेंक दिए और वो बस वो बच रहा है, इसको नीचे फेंक रहा, देख लो। मैं नहीं लूंगी, नहीं लूंगी मैं, गंदे सारे फेंक दिए नीचे आपने। देखो एक वो पड़ा, वो यहाँ से उठा लिया। देख डैडी आ गए तेरे, जा डैडी के पास जा, डैडी आ गए। देखो भक्के गया उनके पास, इसने देखो सारी बेडशीट खराब कर दी खींच खींच के, इधर से खींचे जहाँ भी बैठेगा वहीं पे खींचने लग जाएगा। इसकी पिटाई करनी पड़ेगी। देखो सबको फेंक दिया नीचे उतार के इसने, इतनी दिखाओ कौन दो मम्मा का फेंक दोगे इसको। गैस कुछ भी सामान हो ना उसको बैठ के नीचे घुसा के और आ जाएगा, है ना। अपनी आज दवाई भी घुसाई थी ना लेने की वजह से, ना दे मम्मी, बैठ के नीचे कर दी ना आपने, देख रहा है गंदा लड़का। गाइस इतना गंदा है बहुत, अब दोबारा ठीक करूंगी मैं तो दोनों बेडों को, ठीक करती करती परेशान हूँ, पर ये परेशान नहीं है करते करते, गंदा है। दिखाओ कौन दे लेगा मुंह में अपने में, फेंक दिया, जा डैडी के साथ जाओ खेली आओ बाहर, बहुत देर मिले हैं डैडी आपको, जाओ। कब से मैं रख रही हूँ गाइस, इतना ज्यादा परेशान करके रखता है, मैं भी नीचे बैठा, मुझे भी यहाँ पे बिठाई रखता है नीचे, और तब जाके खेलता है कभी इधर, और बेड पे बिठा दो तो ये काम करेगा, वहां से गमले इनको उठा के फेंक देगा, उधर नहीं था तो उधर से उसे ले आया। वो अभी मैंने यहाँ पे खिलाने के लिए इसको यहाँ पे रख दिया था, और देखो ये कहाँ पे फेंक के जा रहा है। अब ये सारे मुझे सही करके जाने पड़ेंगे। गाइस यहाँ पे कानू देखो सो गया है दीदी के पास, ये इसको सुलाती रहती है, इन पे एक काम है, खुद भी पड़ी रहेंगे साथ में इसको सुलाती रहेंगी। अब फिर रात को करता है हमको परेशान, हम इसको डांट डांट के सुलाते हैं, फिर इतनी तेज रोएगा। अगर इसके डैडी थोड़ा सा ही डांट दे रहे हैं, इसको सब मुंह बना बना के रोएगा भूला करे। और अब देखो अभी तो सोएगा, कितने बज रहे हैं, दोपहर में हम सोए तो ये जगा रहेगा।
और जब इसका सोने का हो तो हम फिर हमारा सोने तो का काम रहता है ना, हम काम करते रहते तो सो जाएगा, ऐसे काम करता है। गाइस मम्मी ना तुलसी के पत्ते तोड़ के लेके आ गई हैं, फिर शाम हो जाती। उठ गया ओ माँ जी, देख के उठ गए। माँ जी पिटाई करेंगी अब तेरी। मम्मी इसको सुला तो देते हो, फिर हमको नहीं सोने देता ये रात को। और देखो ये दोनों के दोनों ऐसे, इसको सुला देंगे थोड़ा सा ही गाइस, रोए तुरंत सुला देंगे। कल एकादशी है ना, तो मम्मी गाइस तुलसी के पत्ते लेके आई हैं, फिर थोड़ी सी शाम रात सी हो जाएगी, तो इसलिए पहले तोड़ के आ गए। बिच्छू जो पेड़ में पत्ते वत्ते नहीं तोड़ते हैं, तो इसलिए। क्या प्यार चल रहा है आप दोनों का? पिटाई करूं आपकी? कानू आप नहीं सोने देगा तो ये कानू अब नहीं सोने दोगे ना? अब नहीं सोने दूंगा, अब मैं घूमे घूमे करके आऊंगा उसके। होगी रेडी आप, अब इसे घुमा लाएंगी, फिर रात को ये हमको परेशान करेगा, अब ये घूम के आ जाएगा, फिर बैठा रहेगा। खांसी हो रही है, इसकी मेडिसिन लेनी पड़ेगी। गर्म पानी पिएगा ठंडा? कैसा भी दे दो मैं तो पी लूंगा। बर्फ का पानी नहीं देते गाइस, अब इसको इसकी वजह से ऐसे ही पानी पी रहे हैं हम भी। फिर ये कैंपर में ठंडा करके रख देते हैं, फिर इसको पिलाना पड़ेगा। बर्फ नहीं डालेंगे, ऐसे दे देंगे सिंपल पानी। कानू के लिए लेके जा रहे हो? हाँ, कानू के लिए पानी। कानू की माँ जी को देखो टेंशन है, उसकी बूजी ना अभी गई है, तो सुन ली किचन में आके लेके जा रही है पानी उसके लिए। और गाइस उठ गया है, अब देख लो ऐसे काम है इसके। और तब से जग रहा था, जब हमारा सोने का टाइम था मुझे भी ना सोने देता बिल्कुल भी। अब पता नहीं क्या। कानू अब घूमने जा रहे हो? दिखाओ इधर, माँ जी ने काजल लगाया है आपके। ओ आज तो काजल डलवा के घूम रहे हो। अगर इस वहाँ पे बच्चे दिख रहे हैं ना, तो बहुत ज्यादा खुशी हो रहा है। कानू कानू मंकी है, उधर मत जाना, बूजी नहीं लेके जाएगी आपको, है ना? यहीं पे खिलाएंगे। दीदी तो गई आपसे प्यार करके, इसको गाइस खिला के गई है। इसकी तरह छोटी सी है वो भी। सब बच्चों ने देखो झंडा लगा रखा है अपनी साइकिल में, है ना कानू? घूम लो बाय, आराम से घूम रहा है। सब में बच्चे बच्चे दिख रहे हैं इसको, छोटे छोटे इस टाइम सब घूमने के लिए निकलते हैं, छोटे छोटे बच्चे अपने ट्यूशन से आके। अब हमारी ये भी सो के उठाया, अब ये भी घूमने लगा है। गाइस मैंने खिचड़ी बनाने की तैयारी कर ली है, दाल और ये चावल साफ करके धो लिए हैं। अरे थोड़े ज़्यादा हो गए थे तो मैंने निकाल दिए, फिर गाइस ज़्यादा हो जाते हैं, फूलती भी है, तो इसलिए मैंने फिर थोड़ी कम बनाई है, फिर ख़राब होते हैं। और गाइस ये मैंने सारी चीज़ कट कर ली है, इसमें ये भी डालूंगी प्याज और हरी मिर्च, इनसे भी ज़्यादा टेस्टी लगती है खिचड़ी बनी। मैं सिंपल भी बना देती हूँ, लेकिन आज मेरा मन था कि प्याज और हरी मिर्च सारी चीज़ डाल के तब बनाऊँगी। चलो गाइस बना लेते हैं। गाइस मैंने प्रेस करने के लिए कपड़े निकाल लें, अब प्रेस होगी। अब कानू थोड़ी देर खेल रहा है, उठाया सो के, बाहर घूम के आया था, तो मैं प्रेस कर लूँगी, तब तक खेल रहा है, फिर वरना बहुत तेज रोता है। अब भी इतना ज़्यादा बदमाश होता जा रहा है बहुत। और गाइस मैंने कान्हा जी के लिए बनाया है ये जवे दूध के, तो इनका भोग लगाऊंगी कान्हा जी का। हमने जो खिचड़ी बनाई थी ना, तो उसमें प्याज थी, तो इसलिए फिर मैंने कान्हा जी के अलग वो जवे बना दिए थे, कान्हा जी के जवे लगाऊंगी। तो भोग लगाने के बाद में खिचड़ी खाऊंगी, और तो सब खा लेंगे, सब पे डाल रख के दे दूंगी। अब मेरी प्रेस पड़ी है, इसको प्रेस को करना है मुझे, 2-3 सूट हैं, इन पर करके रख दूंगी ना, फिर ठीक रहेगा, फिर दिक्कत नहीं रहती सुबह सुबह डेली करने की। और देखो कानू का डैडी देखो कहाँ बैठा है, कानू की चेयर पर चढ़ा हुआ। चलो कान्हा जी भोग लगा देते हैं कान्हा जी का। आज मेरे कान्हा जी जवे खाएंगे। खिचड़ी खिला तो देती गाइस, लेकिन उसमें मैंने प्याज डाल दी है, तो इसलिए नहीं खिला रही मैं। गाय माता आप भी खा लो। चलो गाइस ठीक है, प्रेस करके मिलते हैं आप, सबसे प्रेस कर लेते हैं। गाइस मम्मी के ना सर में दर्द हो गया, तो मैंने मम्मी के लिए चाय बनाई, मैं खिचड़ी खा ली, तो मम्मी के अब ज़्यादा तेज़ दर्द होने लगा, तो मम्मी ये बोल रही थी कि मैं चाय बना के लाऊं, तो मैंने मम्मी के लिए चाय बनाई और दीदी के लिए बना दिया साथ में। वो ये कह रही थी आज मैं दूध नहीं पीऊँगी, मैं चाय पीऊँगी, मम्मी की बनेगी तो उनकी भी बनेगी। गाइस वो भी चाय के, वो जिसकी भी चाय बनेगी ना, इतनी ज़्यादा वो है चाय की, तो शौकीन बहुत ही ज़्यादा, बोल रही थी मेरे लिए बना कर लेके आना,
तो मैंने 2 कप चाय बना दी मम्मी के लिए और दीदी के लिए। और गाइस मैं घूमने के लिए जा रही थी और इतनी तेज बारिश आने लगी है, बहुत तेज। अब कहीं भी घूमने का मन नहीं है, ये इतनी तेज बारिश आ रही तो कहाँ जाऊँ गाइस। और मम्मी और दीदी तो घूमने आई थी, तब तो बारिश नहीं थे, तब मेरा टाइम आया तो बारिश होने लगी। मैंने खाना बनाया, उसके बाद फिर सबको खिलाया और फिर बारिश आ गई। अब क्या करें, तो गाइस गई नहीं हूँ मैं घूमने के लिए, बस ब्लॉग एडिट करके और आराम करूँगी। और मेरी दीदी के लिए चाय और दे आते, वरना ठंडी हो जाएगी। मम्मी पीते हैं गर्म गर्म चाय, दीदी पीते हैं बिल्कुल ठंडी करके, तो उनके चक्कर में इनकी भी ठंडी हो जाएगी, मम्मी की भी। तो गाइज इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ, मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग में। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ गाइज इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑन करें, जिससे आपको हमारी वीडियो सबसे पहले दिखाई दे। तो सभी को बाय बाय एंड गुड नाइट।